नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया, न आज मैट पाए, न कभी भविष्य में मैट पाएगा, क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देगा वो एक न एक दिन आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर बनकर सामने आई जाती है। और इसी का परिणाम है कि आज आपको आलू में पुनः एक बार फिर अच्छे से अच्छे दाम जो है प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस समय पर बंगाल सरकार द्वारा बाउंडेशन लगाने की वजह से उत्तर प्रदेश के आलू की पूरे देश भर में धूम मची हुई है, और जिसके चलते साउथ ईस्ट की मंडियां हो या नॉर्थ ईस्ट की मंडियां हो या साउथ की मंडियां हो या वेस्ट पार्ट की मंडियां हो, सभी जगह पर आज 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा का तेजी देखने को मिली है। और ये तेजी अब किसानों को और ज्यादा बढ़कर मिलने वाली है। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आलू जो है 1800 या 2000 रुपए प्रति कट्टा जो है इसी हफ्ते के अगले पार्ट में जो है पूरा कर जाएगा, जिससे मंडियों के मुंह पर यह करारा तमाचा होगा। जो लोग आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का प्रयास कर रहे थे और आप लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से इन लोगों को आलू मिले और ये उस पर जो है मुनाफा कमाएं, लेकिन सोनू चौधरी के होते ऐसा सफल नहीं हो पाया। और मैं तो धन्यवाद आप सभी किसानों को दूंगा कि आप जितना प्यार जितना आशीर्वाद मेरे साथ में बनाए रखे हैं, उसी का ये नतीजा है कि परमपिता परमेश्वर आप लोगों के ऊपर जो है सोनू चौधरी के माध्यम से निगाह बनाए हुए है, और जिससे आप कभी भी इस वर्ष क्या आने वाले 15 वर्षों में भी आलू में घाटा नहीं उठा सकते। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा यही बात कहूंगा, हल्की जुबान, बैयर पंचायत, घबराहट, भय, ये सब जो है त्यागना होगा, क्योंकि आप जुड़े हुए यूट्यूब पर सोनू चौधरी के साथ, जो न झुकता है और न झुकने देता है, सीधा लठ गाड़ के रहता है और मंडियों की और किसान विरोधी लोगों की हालत और उनके हौसलों को पस्त करता रहता है, जिससे आलू का आज रिकॉर्ड तोड़ जो है कोल्ड स्टोर पर सौदा 1600 के पार पहुंच गया है। अच्छी क्वालिटी के आलू में तो और ज्यादा सुधार आने की संभावना है, जबकि मीडियम आलू में 200 से 400 रुपए प्रति कट्टा और सुधार हो सकता है। और यहाँ तक कि मैं आज जो विश्लेषण किया उसके आधार पर हाइब्रिड आलू को भी 1600 रुपए प्रति कट्टा देखने की बात कह रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात पर संदेह हो तो मैदान में आ जाओ, टाट पड़ जाओ, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें चारों खाने चित्त नहीं कर दिया और तुम्हारे घर में नहीं बैठा दिया तो मेरा नाम भी सोनू चौधरी नहीं है। किसानों को डराना धमकाना बंद करो, बहुत हुआ, नहीं तो अब की बार याद रखना ढूंढे नहीं मिलोगे। और किसान साथियों, आप लोगों से मेरा एक बार पुनः यही निवेदन रहेगा, किसी की बातों में आने से अपेक्षा अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। यदि आपका कर्म प्रधान है तो ये कहीं भी टिकने वाले नहीं है, क्योंकि आप सोनू चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि अभी तक वीडियो देखने के बावजूद अभी तक नहीं जुड़े हो और पूरा शुरुआत से लेकर अब तक देख रहे हो कि सोनू चौधरी जो बोल रहा है वही हो रहा है, फिर भी नहीं किए हो, तो अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यही मौका है, यही क्षण है कि आप ज्यादा से ज्यादा सोनू चौधरी के साथ जुड़ेंगे तो सोनू चौधरी इनकी हालत ऐसे मरे हुए कुत्ते की तरह, मरे हुए सुअर की तरह कर देगा कि ये जो है अगले 5 सालों में सिर उठा के भी नहीं चल सकेंगे। इन्हें अगर आलू खरीदना होगा तो आपसे खेतों से ही 1500 रुपए प्रति कट्टा खरीदना होगा, और वो स्थिति बन जाएगी कि जो आलू की 30 रुपए 35 रुपए किलो जो है अमूमन रेट जो है उसका रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा हमको अपेक्षित है। तो ऐसे में जिन किसान साथी ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी देश भर में जो आलू की गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आपको पल पल की अपडेट आपके भाई के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेंगी, जिससे ये लोग कभी भी आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर नहीं खरीद पाएंगे। और हमारा यही एक प्रयास है कि आपका आलू फुटकर में 40 रुपए किलो तक बिकता रहे, जिससे न तो इन लोगों के जो हौसले हैं वो और बढ़े, और न ही जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं जब आलू फेंकता है, जब आलू जो है कम दाम में होता है, जब जो है कोई लेने वाला नहीं होता है, ना तो तब सरकारें दिखती हैं, ना तब मीडिया कर्मी दिखते हैं, ना ही तब जो है ऐसे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आलू तेज होता है तब ये जो है मटर गस्ती टर टर मेढक की तरह करने लग जाते हैं। और किसान साथियों, मैं तो यही चाहूंगा कि आपका हर बार आलू
1500 रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिके और कोल्ड से 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके, तो ये जो आलू में नरमाई या आलू में तेजी, ये घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाए, और जब खत्म हो जाएगी तो आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है आप प्राप्त करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप यही मेरी तरह सोच रखते हैं तो मेरी सोच को अब आगे बढ़ाने का वक्त है, बढ़ाइए जितना संभव हो सके, उतना संभव तरीके कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हर बार आलू का अच्छा भाव लीजिए। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट और जो है साउथ में आई 200 से 300 रुपए कट्टे की तेजी के बारे में। देखो, तेजी का नाम सुनकर कुछ लोग जो है बुरी तरीके से बौखला जाते हैं, और बौखलाहट किसमें होती है? बौखलाहट मंडियों और किसान विरोधी और जो आलू बेच चुके किसान या व्यापारी उनमें होती है, क्योंकि इन लोगों को इतना भी भरोसा नहीं था कि जो है सोनू चौधरी जो कह रहा है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो की सच्चाई है। कुछ लोग तो सोनू चौधरी के सहारे अपना जो है करोड़ों का बिजनेस भी कर गए, और ऐसे में अब उन लोगों को, क्योंकि आलू बेच चुके, अब उन लोगों को लग रहा है कि आलू में ये हो जाएगा, अब किसानों को डरपाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये तथाकथित ये भूल गए कि इस बार देश भर में 30% आलू की पैदावार डाउन है। दूसरा कारण मौसमिक परिस्थितियां हैं, लालिनों का इफेक्ट चल रहा है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है, जैसे कि अमूमन साउथ और जैसे कि अमूमन नॉर्थ ईस्ट। और अगर मौसम की बात करें तो नॉर्थ बुरी तरीके से उमस से जूझ रहा है। लेकिन इस सबके बीच में एक राहत की खबर आलू के रेटों को लेकर आई है। आलू के रेट जो है दिन प्रतिदिन जो है 100, 200, 300 रुपए प्रति कट्टा बढ़ रहे हैं, जिससे आलू किसानों की उम्मीदें और ज्यादा हिलोरे मार रही हैं। और देखो, उम्मीदें पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं होंगी, सपने नहीं होंगे तो फिर पूरे कैसे होंगे। यद्यपि आज जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अगर हम विश्लेषण करें तो हर किसान जो है निकट 10-15 दिन में जो है आलू अपना 1600 से लेकर 2000 रुपए प्रति कट्टा के बेचने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट इस तरीके से इशारा कर रही है कि चाहे हाइब्रिड किसान हो, चाहे चिप्सोना किसान हो, चाहे 3797 R1 या जो है G4 वाले आलू हो, सबको आलू के अच्छे रेट जो है किसानों को मिल जाएंगे। और देखो, सीधी सी बात है, किसान का नाम तो इसलिए लिया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा आलू किसान करते हैं, लेकिन इस बार जो है सबसे ज्यादा आलू पूंजीपतियों के हाथ में, बरसारियों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में, कोल्ड मालिकों के हाथ में। और लेकिन जब आलू का नाम आ जाता है तो देखो, सभी जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान भी 4-5 सालों से घाटा उठा रहे हैं, मैं सबको ले रहा हूँ, व्यापारी भी जो है 4-5 साल से घाटा उठा रहे हैं, कोल्ड मालिक डबल घाटा उठा रहे हैं, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि सभी जो है गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये बंदा झुका तो झुका नहीं था, इसने दुनिया झुका दी। और इसी सोनू चौधरी की बदौलत आज जो है आलू जो है 2000 रुपए प्रति कट्टा जो है बिकने की स्थिति में पहुंच गया है। किसान साथियों, देखो, हम तो सीधा सीधा आप लोगों के सहयोगी हैं, मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कई लोग तो 2021 की बात बता के और जो है अपने अंदर एक फिजूल की धारणा धर के कि ये हुआ था वो हुआ था। इस बार सोनू चौधरी ने ग्राउंड जीरो पे जाके, चाहे वो गुजरात हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, सभी जगह की स्थितियां दिखाने के बाद में इस निष्कर्ष को निकालकर आप लोगों के सामने दिखा दिया था कि इस बार आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन इन लोगों को सस्ते में आलू खरीदना था तो ये लोग आप लोगों को गुमराह करते रहे, कह रहे ऐसा नहीं होगा, ये मरवा देगा, इसमें 2021 में ये किया था। लेकिन जो सोनू चौधरी पर विश्वास करता था उसका विश्वास एकदम सोने की सिक्के की तरह सोनू चौधरी ने खरा उतारा, जिससे किसानों को उम्मीदें और ज्यादा बलवती हो गई। अब किसान साथियों, आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा तेजी जो है देखने को मिलेगी, और इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा बंगाल में लगाए गए आलू के प्रतिबंध से, क्योंकि इस समय पर बंगाल का आलू जो है किसी भी राज्य में जो है बंगाल से बाहर नहीं जा रहा है। कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बंगाल सरकार ने यह जो है नियंत्रण लगाया था, लेकिन नियंत्रण ना होके जो है गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय पर जो पहले रेट चल रहे थे 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा के, आज दूसरा दिन हड़ताल का है। पश्चिम बंगाल प्रगतिशील व्यवसायी समिति ने ममता बनर्जी के इस कदम के बाद में हड़ताल कर दी। हड़ताल का असर यह हुआ कि जहां पर आलू की सबसे ज्यादा मांग थी वहां पर मांग और ज्यादा बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो रेट जो है और ज्यादा इजाफा हो गया। आलू कोल्ड से नहीं निकल रहा है, और जहां पर बॉर्डर पर जब ट्रक पहुंचे थे वो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। एक एक व्यापारी को तेजी की साल में 9-9, 10-10 लाख रुपए का घाटा जो है इस समय पर सरकार की इस जो है नीति और इस नियम के तहत उठाना पड़ रहा है। और
अगर ये स्ट्राइक, क्योंकि इधर जो है ममता बनर्जी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, इधर जो है कोल्ड चैन और जो व्यवसायी समिति झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखो इस समय पर सभी को तेजी चाहिए। कई लोग तो इस तेजी को जो है कैश करने के मूड में जो है एक ऐसा प्रोपगंडा फैला रहे हैं जिससे जो है किसान हस्तोत्साहित हो, उन्हें फायदा मिले। कई लोगों का कहना है कि ये जो है स्ट्राइक जो है दोनों की मिली भगत से चल रही है, सरकार झुकेगी नहीं और जो है कोल्ड मालिक जो है स्ट्राइक और जो है व्यवसाय बैठे रहेंगे। ऐसे में क्योंकि इनमें एक बड़ा फायदा जो है इनको ऐसा मिल जाएगा कि जिन जो 5%, कल मैंने बताया था आपको 5% किसानों के पास में जो आलू है ना, वो लोग जो है क्योंकि अब आलू नहीं बिक रहा है और ये लोग कोई खरीद नहीं रहा है, किसान को पैसे की जरूरत है, जो 5% किसान है वो जो है अपने आलू इनको दे देंगे और उसके बाद में स्ट्राइक विस्ट्राइक सब तेल लगाने चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। लेकिन 5% किसानों से मेरा यही कहना रहेगा, आप अपने जगह पर खड़े रहिए, किसी की बातों में मत आइएगा, चाहे कोई कितना भी विरोध में आ जाए, कोई जो है कितना भी हड़ताल करे, लेकिन इस हड़ताल की वजह से नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट हो, सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश के आलू की तो बहार आई हुई है। आज नॉर्थ ईस्ट की मंडियों में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी देखने को मिली है। दूसरा साउथ ईस्ट जो दक्षिण पूर्व के राज्य हैं, जैसे कि आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पर एकदम आलू के रेटों में बूम आया है और जब तेजी देखने को मिल रही है तो तेजी का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के व्यापारी और जो है कोल्ड मालिक कमर कसे हुए हैं, ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं, एक एक दिन में इन स्टेट से 10,000 के ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि साउथ में आलू भेजना व्यापारियों को कोल्ड मालिकों को थोड़ा महंगा पड़ रहा था, लेकिन साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में भेजना वहां से काफी हद तक राहत भरा है, क्योंकि वहां पर 6 रुपए किलो का भाड़ा लगता था, यहाँ पे 3.5 रुपए किलो का भाड़ा लग रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कम, टैक्स भी कम और आलू भी अच्छे रेटों पर। और दूसरा जो उमस का माहौल था अब वो जो है धीरे धीरे छटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों के साथ साथ व्यापारियों भी ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं, कि व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान किसान साथियों इस उमस से जो है बीते 20 दिन में झेलना पड़ा है। कई कई व्यापारियों की तो 3-3, 4-4 गाड़ी जो है बैठ गई। अब किसान को तो उन लोगों को वही रेट देने हैं, लेकिन उनकी भरपाई वो किस तरीके से करें, तो ऐसे में इन लोगों ने फालतू का फंजुरा उड़ा दिया था कि मार्केट डाउन होगी। मार्केट डाउन नहीं हुई थी, इनकी गाड़ियां बैठ गई थी, इस वजह से इन्होंने खरीदना बंद कर दिया था। आज जब यहाँ से डिमांड आई है तो व्यापारी एकदम उत्साह से लबरेज हैं, कोल्ड मालिक उत्साह से लबरेज हैं, और गाड़ी आज जो है अगर मैं अपने आगरा अलीगढ़ मंडल की बात करूं या जो है फरुखाबाद की बात करूं, हैवी लोडिंग कोल्ड स्टोरेज से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, आपका नॉर्थ ईस्ट, यहाँ आपका असम वगैरह में इतना लोडिंग है आज का, आप जो है यकीन नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टरों से आप खुद जो है बात कर सकते हैं। किसान साथियों देखो, जब तेजी आती है तो तेजी हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, लेकिन गुरुंडों को तेजी अच्छी नहीं लगती है। गुरुंडे तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद में फिर दोबारा से कमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बाईजात नस्ल है, अब क्या कहा जाए इनके बारे में, जो ना कहा जाए वो भी कम पड़ जाएगा, ऐसी नस्लें हैं ये जो है। अगर किसान को तेजी मिल रही है तो इनकी माँ बहन एक हो जाती है कोठे पे जाके। इन्हें किसानों को तेजी लेने से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये चाहते हैं कि तेजी हो तो मेरे लिए हो और किसी के लिए नहीं हो। लेकिन याद रखना है, ये सर सोनू चौधरी कहते हैं, तेजी लेगा तो किसान लेगा, तेजी लेगा तो किसान के उत्पाद से जुड़ा हर व्यक्ति लेगा, लेकिन तुम लोग जिस उस बैठे बैठे हो गुमान में, उसे सोनू चौधरी कदापि पूरा नहीं होने देगा। किसान साथियों, आज अगर हम कोल्ड स्टोरेजों पर बात करें तो कोल्ड स्टोरेजों पर श्री राम कोल्ड स्टोरेज खंदौली 1585 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिके हैं, राजाधिराज कोल्ड स्टोरेज 3797 आलू 1540 रुपए प्रति कट्टा, मीडियम 1450 रुपए प्रति कट्टा। अगर हम जो है सादाबाद की बात करें तो सादाबाद में कोल्ड स्टोरेज है राजश्री कोल्ड स्टोरेज, जो कि खंदौली के नजदीक है लेकिन सादाबाद में पड़ता है। यहाँ पर आज आलू के जो सौदे हुए हैं वो जो है 20 दिन के पेमेंट पर 1640 रुपए प्रति कट्टा के हुए हैं। अगर हम जो है हाइब्रिड के आलू की बात करें तो हाइब्रिड आलू टूंडला में
1485 रुपए से लेकर 1530 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो आपके अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में आलू में आज जो है 100 रुपए प्रति कट्टा की जो चटक देखी गई है, 14 शुगर फ्री की बात कर रहा हूँ भाई, झूठ वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1440-1480 रुपए तक की दर पर आलू बिके हैं। वहीं जो है मथुरा की बात करें, मथुरा का राया इलाका है, बलदेव इलाका है, यहाँ पर आलू में जो है आज 100 रुपए कट्टा जो है तेज हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का आलू यहाँ पर आज 1480 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। मेरे बलदेव के और जो है राया क्षेत्र कोल्ड मालिकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुगर फ्री की डिमांड कम होने की वजह से इसके रेट थोड़े कम है, लेकिन छूट के आलू का क्योंकि खंदौली के व्यापारी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का आलू चाहिए, तो ऐसे में अब जो है रेटों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन किसानों को धैर्य और संयम बना के रखना होगा क्योंकि अभी जो है आलू निकासी के लिए 4 महीने का समय शेष है। बंगाल में फाउंडेशन लगने की वजह से आलू के रेट जो है और ज्यादा बढ़ रहे हैं और संभावना है कि सभी किसानों को जैसा आपने कहा है 1600 रुपए प्रति कट्टा के रेट वो मिल जाएंगे। लेकिन अब जो आप आगे कह रहे हो इससे तो सिर्फ मथुरा जिले में सुपर क्वालिटी वाले ही किसान ले पाएंगे, यानी कि 2000 रुपए प्रति कट्टा के। किसान साथियों इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी बता ही देता हूं। आज जो कि आलू संदेश अखबार है, आज आड़तियों के जो आड़तियां हैं, जो किसान विरोधी लोग हैं, कोल्ड मालिक हैं, जो दलाल टाइप के हैं, जो किसान विरोधी टाइप के हैं, उन लोगों के उसको धक्का बताते हुए आज ये आर्टिकल जो है कटियार साहब ने पेश किया है, सोहित कुमार कटियार साहब ने जो कि एडिटर हैं, इन्होंने लिखा है आलू पर रोक लगाना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। अब इसी आर्टिकल के साथ इन्होंने लिखा है देश में आलू उत्पादन पिछले वर्ष और वर्तमान में कितना अधिक कितना कम रहा, इससे आलू उत्पादक किसान कारोबारी जगह से लेकर सरकार तक सभी जानते हैं, कोई अनिभज्ञ नहीं है। सबसे बात है भाई पैदावार कम है कौन वो कर लेगा। अगर हम बात करें आलू बाजार से लेकर आलू स्टॉकिस्ट ने ऐसा प्रदर्शन किया मानो धरती से आलू गायब हो गए, बहुत भारी शॉर्टेज है, जबकि भंसार के समय इतना पैनिक माहौल नहीं था, यानी कि जब जो है खेतों से आलू जो है आप लोगों से खरीदा जा रहा था, आलू का लागत मूल्य अधिक है, निवेश भी भारी भरकम है, इस बार निवेश बहुत बड़े स्तर पर है किसान साथियों, सबसे ज्यादा आलू इन लोगों के हाथ में है, खर्चे भी आलू के ज्यादा है, बाजार मूल्य अभी अधिक होना चाहिए, मूल्य अधिक मिलना चाहिए, जब सामान्य तौर पर आलू नई फसलों के आगमन तक खपत के लिए पर्याप्त है तो किसी भी प्रकार की आलू पर रोक लगाना अपने आलू पर कुल्हाड़ी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यानी कि जो इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने जिस अखबार अपना अखबार जिस सोहित कटियार जी चलाते हैं, इन्होंने सीधा सीधा ममता बनर्जी और जो है कोल्ड मालिक और जो व्यापारी हैं जो कि किसानों से आलू जो है खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं सस्ती दरों पर, उन लोगों के लिए इन्होंने नाम ना छाप कर एक ऐसा संदेश दे दिया है, नाम ही इनके अखबार का आलू संदेश है, लेकिन जो संदेश दिया है वो जो है किसानों के हित में एक दूरगामी दशा दिशा दोनों परिवर्तन करने वाला रहेगा। इन्होंने सीधा तौर पर कटाक्ष किया है, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, ये एक अखबार के एडिटर की सबसे खास बात होती है कि किसी का नाम न लेकर वो सारी बातें कह जाना जो कि किसान हित में कह जानी चाहिए थी। किसान साथियों बात करेंगे आज जो है मंडी भावों को लेकर, सबसे पहले हम जो है अपने लोकल से शुरुआत करेंगे। लोकल में इस समय पर आलू में अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिल रही है। कानपुर की चक्रपुर मंडी से शुरुआत करेंगे, 37-97 आलू आज जो है यहाँ पर 21 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू जो है 1800 रुपए किलो से लेकर 22.5 रुपए किलो, कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, हालैंड आलू 24.5 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 26 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। किसान साथियों नजदीकी राजस्थान का सबसे बड़ी मंडी है जयपुर, यहाँ पर आलू जो है 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हमारे नजदीकी एक डेस्टिनेशन है भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर आलू जो है 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक बिके हैं। और खास बात यह है मंडियों के लिए, घुटने तक भी खोल लेना सोनू चौधरी बांस उससे बिना मानेगा नहीं, एक भी कट्टा बैलेंस नहीं बटा, आलू बिक गया, बिक्री तेज है, दोबारा गाड़ी में गई दोबारा अभी खत्म हो गई, ये हालत इस समय पर मंडियों में आलू की चल रही है।
मुंबई मंडी की बात करेंगे, मुंबई मंडी में आज जो है 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आलू के बाजार पहुंच गए हैं। बीवीआईपी 32 रुपए किलो तक भी बिके हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश का आलू धूम मचाए हुए, कहां कभी उत्तर प्रदेश का आलू 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो बिकता था, आज 29 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक भिलाई की मंडी में बिक रहे हैं। बेंगलोर की मंडी में किसान साथियों 1300 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है किसान साथियों आलू बिके हैं आज बेंगलोर मंडी में। कल के मुकाबले 100 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी देखने को मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ की सभी मंडियां, उड़ीसा की सभी मंडियों में 300 रुपए प्रति कट्टा का आज उछाल है। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए तमिलनाडु मंडी की, तमिलनाडु की तिरछी, मदुरई, चेन्नई सब मंडी आज 38 रुपए किलो की दर पर, बढ़िया क्वालिटी 40 रुपए किलो की दर पर आलू शॉर्ट हो गया। कहां है आलू, कहां गए बंपर पैदावार बताने वाले, कहां गए 80% कोल्ड स्टोरेज भरने वाले, कहां कहां निकल के सामने आओ, तुम्हारे मुंह में जड़ाना है। महाराष्ट्र की मंडी की बात करेंगे, जो कि आपका नासिक इधर है, सॉरी माफ कीजिएगा पूना, 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो, बढ़िया नीचे में 27 रुपए किलो तक। किसान साथियों जिस तरीके से आलू के रेटों को लेकर एक जो उहापोह की स्थिति है वो जो है अब छट गई है, और छटते ही बाराबंकी में R1 आलू जो है 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिके हैं। और इसके साथ ही हम जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जिन्हें फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, उन्नाव है, औरैया है, यहाँ पर आलू के रेटों में 100 रुपए प्रति कट्टा का उछाल है। और फरुखाबाद से जो है आपके आज डेट हो गई 22 जुलाई, और यहाँ पर जो है अगले 10 दिन के अंदर जो है 12 रैक लगनी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो है आपका आंध्र प्रदेश के लिए। तो ऐसे में मैंने सिर्फ साफ कहा है आप लोगों को हाइब्रिड, और हाइब्रिड का सबसे बड़ा गढ़ और राजधानी जो है कानपुर मंडल को बुलाया जाता है, यानी कि मिडल उत्तर प्रदेश को, मध्य क्षेत्र को, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है किसानों द्वारा आलू की 3-3 प्रजातियां की फसल जो है ली जाती है। सितंबर में लगा देंगे उसे खोद लेंगे, फिर जो है दिसंबर जनवरी में लगा देंगे उसे खोद लेंगे, फिर जनवरी में बोलेंगे उसे जो है अप्रैल में खोद लेंगे, और उसके बाद उसका डंप लगा देंगे, और फिर उसके बाद में उत्तर पर आगरा की होड़ करने चल देते हैं कि आगरा में 37-97, आगरा में तो हमेशा एक ही फसल ली जाती है 37-97 की, बात खत्म। तो ऐसे में अब जो है स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होती जा रही हैं सभी किसानों के लिए। मैं किसी पार्टिकुलर किसी किसान के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सभी कोल्ड मालिक, सभी किसान और सभी व्यापारी सब अपने हैं। मैं किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, बस द्वेष भावना इस बात की है कि किसानों के अंदर घबराहट, किसानों के अंदर भय का माहौल बिल्कुल मत पैदा करो। किसान का आलू जिस तरीके का है उसे उस तरीके से समझाओ, भाई इस तरीके का आलू है, इसका जो डिमांड है या इस मंडी में है और इस मंडी से इतने दाम वापस आ रहे हैं, अब तुझे क्या करना है, ऐसे अगर तुम किसानों को समझाओगे तो किसान जो है अपने आलू को बेचने के लिए भी तैयार हो जाए। और तुम लोग क्या कर देते हो, अरे वो मंडी गिर गई, ये मंडी गिर गई, मंडी तो कोई नहीं गिरी, तुम्हारी गाड़ियां गिर गई थी, 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां जो है बैठ गई थी, और तुम लोगों ने हल्ला उड़ा दिया था कि ये हो गया वो हो गया, आज कहाँ गई तुम्हारी वो जो है, कुछ है, कुछ नहीं है। अरे यहाँ सोनू चौधरी बैठा हुआ, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, बस इतना प्रयास करो कि सोनू चौधरी के माध्यम से हर निचले स्तर तक के जो कि 3 बीघा या 2 बीघा आलू किसान, आलू का उत्पादन किसान करता है, उसको अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त होता रहे, जिससे आपका भी परिवार चलता रहे, आपका भी कारोबार दिन प्रतिदिन फूलता रहे, फलता फूलता रहे। और जो है कोल्ड मालिक हो तो मेरा यही कहना रहेगा कि अगर आप अच्छी दामों पर आलू बिकवाएंगे तो निश्चित तौर पर आप दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करो, आपके पास एक कोल्ड स्टोरेज, आप 4 कोल्ड स्टोरेज बनाओ, प्लॉटिंग करो, कॉलोनी काटो, हम तो आपके इसमें सहयोगी करेंगे। लेकिन किसानों को अगर डराओगे, धमकाओगे और अपना ही उसमें फायदा देखोगे तो भाई साहब बुरा मत मानिएगा, मैंने कई कोल्ड मालिकों को सड़क में घिसते हुए देखा है, उनकी बॉडी जो है पता नहीं पड़ती है कौन कहाँ मर गया, किसी की बॉडी जो है हमने आगरा में देखी थी, किसी की मथुरा में देखी थी और किसी की तो हमने हापुड़ में देखी थी, क्योंकि करनी का फल तुम लोगों को ही भोगना है। अपंग, लूले, लंगड़े, एक्सीडेंट, बीमारी, हारी दुगारी सब तुम्हारे परिवार में होती है, कोल्ड मालिक को बुरा मत मानना, किसी किसान के परिवार में नहीं होती है, क्योंकि लूट का माल फूट में जाता है, चोरी करोगे तो मोरी में जाएगा। तो ऐसे में ऐसे कृत्य मत करो, कमाओ और कमाने दो, खाओ और खाने दो, ऐसा मत करो कि सारा तो तुम लोग लूट ले जाओ और किसान देखता रहे। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, और इस समय पर खैर आलू आपके हाथों में, किसानों के हाथ में बहुत कम है, लेकिन
जिस तरीके से ममता बनर्जी की बंगाल में हड़ताल चल रही है, ये हड़ताल जो है और ज्यादा लंबी खिंचने की हमें जो है प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इधर जो है ममता बनर्जी का एक अनऑफिशियली बयान आया है कि जो है उत्तर प्रदेश से आलू बंगाल में मंगाएंगे, अगर बंगाल के आलू व्यवसायियों और कोल्ड चेन एसोसिएशन के उन्होंने जो है अगर अपनी हड़ताल वापस नहीं ली तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लागू करके पूरे प्रदेश में हालत जो है निपटने के लिए उत्तर प्रदेश से आलू मंगाया जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश का आलू किसी भी कीमत पर आए लेकिन मंगाया उत्तर प्रदेश से जाएगा। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश के किसानों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, आलू पहले से ही कम है और जो है अब जो है दैनिक उपभोग में भी उसकी खुद की जरूरतें हैं। साउथ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, साउथ में तो चाहिए चाहिए फरवरी तक, और उत्तर प्रदेश में आलू कितना है। अगर मैं आज मोटे तौर पर आप लोगों को बता दूं तो उत्तर प्रदेश में आज 22 जुलाई 2024 हो गई और 31 जुलाई आते आते 44% का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार हो जाएगा निकासी का। तो ऐसे में आप समझ लीजिए 70% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे। अगर मैं इनका ही बात को बड़ी कर देता हूँ कि 80% भरे गए तो आ जाओ मैदान में, आओ मैदान में, क्योंकि इसमें 20% बीज है फिर भी 15% बचाओ, 15% ये इधर चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट और उधर साउथ में जाने जाना। कुल मिला के आलू की शॉर्टेज पहले से ही थी और अब जो है और ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी तो आलू के दामों में और ज्यादा आग लगेगी, और आग लगेगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों से लेकर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को मिलेगा। किसान साथी इसके साथ ही पंजाब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसके बारे में बोलना भी बेकार है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है क्लोन, सबसे ज्यादा जो है स्थितियां बिगाड़ने वाले ये पंजाब के लोग होते हैं। कुछ इनमें से ऐसे लोग होते हैं जो है चाहते हैं कि आलू पंजाब के किसानों का भी 1600 रुपये प्रति कट्टा बिके, लेकिन इससे अधिक जो है वो चाहते हैं कि आलू सस्ता रहे, क्योंकि सीधी सी बात है वहां पर ना कांग्रेस की सरकार है ना जो है आपकी बीजेपी की सरकार है, वहां पर सरकार किसकी है, सीधी सी बात है केजरीवाल की सरकार है। अब केजरीवाल तो आपको पता है किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये लोग नहीं चाहेंगे कि तेजी मिले। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है पंजाब के बारे में चैप्टर क्लोज कर दिए, लेकिन जिनके पंजाब के जिन किसान साथियों ने हमारा भरपूर साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे, मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि अब पंजाब में भी आलू 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। जी कितने भी अपने पिछवाड़े तक की जोड़ लगा लें, अपनी माँ बहन को भी कोठे पे बैठा लें, लेकिन पंजाब में आलू जो है 1400 रुपये प्रति कट्टा से नीचे नहीं आने वाला है। 7 दिन के अंदर आपके सामने स्थितियां होंगी। और बंगाल के किसान साथियों के बारे में मैं आगाह कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ जब उत्तर प्रदेश का आलू अपने आप निकल जाएगा और सरकार बाउंडेशन तो हटाएगी, लेकिन उस समय तक आलू के रेटों को लेकर जो दुविधा थी वो खत्म हो जाएगी। और निश्चित तौर पर यहाँ तो अभी 1400 रुपये चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का आलू खत्म होगा, थोड़ा अल्प मात्रा में बचेगा, वैसे ही बाउंडेशन हटी और जो है बंगाल के आलू का हर जगह जो है धमाका होना शुरू हो जाएगा। और जैसे 2014 में हुआ था, और जैसे ही धमाका होगा तो वहां पर आलू की कीमतें, फिर ममता सरकार कितना भी जोर लगा ले, कितना भी हड़ताल करवा ले, कितना भी बाउंडेशन लगा ले, फिर आलू की कीमतें रुकने वाली नहीं है। बहरहाल सभी किसानों को इस वर्ष आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त होगा, ऐसी हमारी जो है मनोकामना है, ऐसी हमारी आशा है। तो ऐसे में आप लोगों से सभी से निवेदन रहेगा, यदि आप लोगों को वीडियो किसी भी स्तर पर हमारी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ आवश्यक और अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।